जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल आई टीवी लाइव एंड न्यूज, मेरे मित्र मैं हूं आपके साथ नवे खान। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। देखिए दिन भर की खास खबरें हमारे आज के न्यूज बुलेटिन। मेरठ के गंगानगर थाने में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वह राकेश टिकैत के भतीजे की बाइक सीज होने से नाराज थे। आपको बता दें मेरठ के गंगानगर थाने पर बुधवार रात किसानों ने एक तरह से कब्जा कर लिया। किसान थाने के अंदर ट्रैक्टर ले गए, तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर पर फुल वॉल्यूम से डीजे बजा दिया, अंदर ही गद्दे बिछा कर डेरा डाल लिया। प्रदर्शन करने आए किसानों ने इंस्पेक्टर के दफ्तर के बाहर ही चौकड़ी लगाकर जमकर हुक्का सुलगाया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत के भाई सुरेंद्र टिकैत के बेटे की बाइक का 20 जनवरी को पुलिस ने आईएमटी चौराहा गंगानगर पर चालान कर दिया था। पुलिस ने आज बाइक भी सीज कर दी थी। पुलिस ने बाइक पर 27,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विरोध में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में किसान बुधवार को गंगानगर थाने में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए, जहां थाने के अंदर घुसकर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट से एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट श्यामनगर गली नंबर 6 का है, जहां एक युवक राहत उर्फ राजा, जिसकी शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, राहत की मां और पत्नी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर नेहा की गुहार लगाई। आरोप है उसी गली के रहने वाले मोहसिन तहसीन और शबाना ने दिल्ली की एक युवती को अपने घर रखा हुआ है और उसके द्वारा वो उज्मा नाम की युवती से हनी ट्रैप कराकर फोटो वायरल और झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, जिसके लिए आज राहत और पत्नी एसएसपी ऑफिस पहुंचे। 24 तारीख में बेटे की शादी करी है, 25 में उज्मा नाम की लड़की है, दिल्ली की है, बाप का नाम जाकिर हुसैन है और यहाँ मोहसिन के पास और उसके बाप का तहसीन है, वहीं गली में आई हुई है और उनका यही काम है, मतलब लड़कों को परेशान करना और पैसे लेना, धमकी देना। आपके लड़के के साथ क्या करा? अब मेरे लड़के के साथ ये करा, 24 में शादी हुई, 25 में घर में आ गई, या तो पैसे दे दो वरना तो उनका मैं केस कर दूंगी। 5 लाख रुपए वजह क्या है? वजह ये है कि उनके फोटो वोटो पता नहीं क्या क्या ऐसा बता रही है, कुछ भी नहीं है उसके पास, उनका मैं फंसा दूंगी, मैं जेल करा दूंगी, ये है वो है। अच्छा एक चीज बताई थी अभी कि तिल्लोकड़ी चौकी पर आप गए थे? तिल्लोकड़ी चौकी पे, हाँ सर, गई चौकी पे मैं, जाने के बाद में मैं 2 बार गई, उन्होंने बोला कि समझौता कर लो जी, क्या झूठा मुकदमा है, बस नोई कह रही है उनका मैं जेल पहुँचा दूंगी, झूठा केस लगा दूंगी। कितने पैसे मांग रही है? 5 लाख रुपए मांग रही है, या तो मकान दे 5 लाख। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में गौकशी की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस पर वहां मौजूद महिलाओं द्वारा पुलिस पर हमला करने और आरोपी को छुड़ाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिख लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन कॉलोनी का है, जहां बुधवार देर रात समर गार्डन चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी कि समर गार्डन के एक घर में गौ मांस बेचा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की तो वहां से कुछ मांस बरामद किया, एक आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन वह काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर वहां मौजूद महिलाओं ने आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। इसके बाद महिलाओं पर आरोप है कि पुलिस पर हमला बोल दिया और आरोपी को छुड़ा लिया। इसके बाद आनंद फानंद में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 31 जनवरी को रात्रि में थाना लिसाड़ी गेट की पीआरबी को शालीमार गार्डन क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास गौमांस होने की सूचना मिली। इस सूचना पर स्थानीय थाने का पुलिस बल एवं पीआरबी के कर्मी मौके पर पहुंचे तो आरोपी व्यक्ति एवं उसके घर की महिलाओं द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई। मौके से कुछ कच्चा मांस बरामद हुआ है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है एवं आवश्यक विधि कार्यवाही की जा रही है।